नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर कानवन थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानवन थाना क्षेत्र के रलायता राजोद मार्ग पर जंगल में बोरे में बंद एक लाश मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में मृतक की शिनाख्त नहीं होने से मामला अंधे कत्ल का होने से अज्ञात मृतक की शिनाख्त के लिए थाना क्षेत्र के 105 ग्राम कोटवारों को लगाया गया तथा आसपास के थाना क्षेत्रों में मृतक की फोटो चस्पा की गई। मृतक करण को जमीन विवाद व साली को भगा ले जाने के कारण षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंका गया था। षड्यंत्र व हत्या में मृतक शेरा उर्फ करण के साड़ू भाई सुरेश के साथ थाना राजोद का एक निगरानी बदमाश व अन्य एक शातिर बदमाश शामिल था। देखें खबर एसकेपी लाइव। तारीख को ग्राम रलायता राजोद मार्ग पे एक व्यक्ति की लाश मिली थी बोरे में, जिसमें 302 का जो है मामला रजिस्टर किया था। और ये ब्लाइंड मर्डर, इस पर SDOP बदनावर, TI कानवन, उनकी टीम ने वर्क किया। और पहले इस मृतक की शिनाख्त करण सिंह पिता मोहनलाल मुंगिया निवासी को थाना कानवन के रूप में की गई। इस पूरे मामले को वर्क करते हुए अलग अलग इनपुट्स इकट्ठे किए गए और उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, सुरेश, नंदराम और प्रफुल्ल। जो सुरेश है वो मृतक की जो वाइफ है उसका जीजा लगता है, और ये करीब 3 महीने से इस महिला के साथ रह रहा था। और इनका जो ससुर है उसके प्रॉपर्टी के विवाद को लेके इसने षड्यंत्र रचा और होली के अगले दिन उसको बुलाया और शराब पीने के बाद इसकी हत्या कर दी। 3 लोगों के साथ मिलकर हत्या करने के बाद इन्होंने उसको बोरे में डाला और घटनास्थल पर फेंक दिया। इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों, 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपी फरार हैं। सर, ये ब्लाइंड मर्डर था और किस सुराग के आधार पर? देखिए, ब्लाइंड मर्डर था और काफ़ी चैलेंजिंग था। इसमें मृतक की जो शर्ट है उसका टैग जब चेक कराया गया तो वो बदनावर की दुकान का था। उससे यह पता चला कि ये व्यक्ति लोकल है। और उसके अलावा जो गांव में पुलिस ने जितने भी चौकीदार रहते हैं, हम लगातार उनसे सम्मेलन होता रहता है, तो करीब 105 चौकीदारों से हमने संपर्क किया। उसी उसमें ये इंटेलिजेंस निकल के आई कि मृतक की आइडेंटिटी जो है वो क्लियर हुई और आगे पूरा मामले का खुलासा।